हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिएगा और वीडियो को कहीं पर भी थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है ये 970 करोड़ रुपये का है। कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है ये 46.25 रुपये है और कंपनी का जो 52 वीक का हाई था ये 57 रुपये था। अब हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। तो इस कंपनी के अंदर रिटेल एंड अदर की जो शेयर होल्डिंग है ये 88.71% की है और इस कंपनी में जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है ये 10.53% की है। यानी कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग बहुत ही कम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी के अंदर आपको ये सिर्फ दो ही तरह की शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो कंपनी का जो पीबी रेशियो है ये 0.31 का है। कंपनी का जो आरओई है ये -0.10% का है। कंपनी का जो आरओसीई है ये -0.06% का है और ये कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं देती है। और कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी है ये 0.15 का है। अब हम कंपनी की प्रॉफिट और लॉस की रिपोर्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी की ईयर वाइज रिपोर्ट देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2023 के अंदर कंपनी को 387 करोड़ का लॉस हुआ था, जबकि 2022 के अंदर कंपनी को 131 करोड़ का लॉस हुआ था। और दोस्तों, बाकी जो रिपोर्ट्स है आपके सामने अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर हम बात करें कंपनी की क्वार्टर वाइज प्रॉफिट और लॉस के बारे में, तो सितंबर 2023 के अंदर कंपनी को 109 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि सितंबर 2022 के अंदर कंपनी को 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि सितंबर 2022 की तुलना में सितंबर 2023 के अंदर कंपनी को एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। अब हम कंपनी की शेयर मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2015 से लेकर अभी तक इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 83% का लॉस दिया है। पिछले 5 साल में कंपनी ने 82% का लॉस दिया है। पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने 13% का लॉस दिया है और पिछले 6 महीने में कंपनी ने अपने निवेशकों को 25% का प्रॉफिट दिया है। इसके अलावा पिछले 1 महीने के अंदर कंपनी ने अपने निवेशकों को 3% का लॉस दिया है। आपने अभी कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड से संबंधित आंकड़े देखे हैं। आपने यहाँ पर ये देखा कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बहुत ही कम है। इसके अलावा ये कंपनी अपने निवेशकों को कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। हमने दोस्तों ये भी देखा कि इस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी है ये बहुत ही कम है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब हम कंपनी के क्वार्टर वाइज और ईयर वाइज रिपोर्ट देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ना ही क्वार्टर के अंदर ना ही ईयर के अंदर कंपनी एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। जब दोस्तों हम कंपनी के पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि पिछले 6 महीने के अंदर कंपनी ने अपने निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न दिया है। लगभग 25% के आसपास का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। लेकिन इसके अलावा कंपनी ने कभी भी अपने निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। बाकी आप लोग किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें और ख़ुद भी एक बार डिटेल में रिसर्च और स्टडी ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए। आपकी इस वीडियो के बारे में जो भी राय है आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम शेयर मार्केट रिपोर्ट है, अगर इसे YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी के अभी YouTube पे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।